हेलो एवरीवन, आज बनाते हैं नवरात्रि के लिए क्रिस्पी और मजेदार रेसिपी। रेसिपी को एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले एक बोल में मैंने लिया है 1.5 कप साबूदाना, इसे मैंने भिगो के रखा हुआ था। फिर इसमें डालना है 2 उबले हुए और मैश किए हुए आलू। अब मैं डाल रही हूँ ड्राई रोस्ट की हुई मूंगफली, जिसे मैंने दरदरा पीस लिया है। अब इसमें डालें बारीक कटा हुआ हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक। फिर डालना है स्वाद अनुसार सेंधा नमक और काली मिर्च। अगर आप व्रत में लाल मिर्च खाते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स करना है। फिर थोड़ा सा बैटर लेकर इसको कोई भी आप शेप दे दें। अगर हाथ में ये चिपक रहा है तो थोड़ा सा ऑयल लगा लें पहले और फिर इसे शेप दें। मैंने यहाँ तेल गरम किया हुआ था तो हम इन्हें डीप फ्राई करेंगे, लेकिन धीमी आंच पर। इसे फ्राई करना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। और बस झटपट तैयार है आपकी एकदम क्रिस्पी और चटपटी साबूदाना फ्राइज। इसे आप दही या फिर हरी चटनी के साथ एंजॉय करें। व्रत वाली हरी चटनी की रेसिपी के लिए या फिर और भी नवरात्रि की रेसिपीज के लिए आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, मैंने नीचे लिंक भी डाल दिया है। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी आपसे मिस ना हो जाए उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें।